नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज पब्लिक पोल का ये सफर लेकर मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के ऐसी नगरी जो बाबा गोरक्षनाथ की नगरी कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है और ये भी कहा जाता है, ये भी दावा किया जाता है कि 1989 के बाद से ये गढ़ अभेद रहा है। सिर्फ 2018 के उपचुनाव में इस गढ़ को भेदा गया था, लेकिन जिसके द्वारा भेदा गया वो भी आज भाजपा में शामिल हो गया। तो अगले आधे घंटे हम करने जा रहे हैं गोरखपुर से बड़ी बहस की शुरुआत, जनता का शो, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि हमारे साथ बड़ी तादाद में होंगे और एक बार जोरदार तालियां गोरखपुर वाले अपने लिए, बहुत बड़ी तादाद में जनता। और हमारा शो अन्य पॉलिटिकल डिबेट शो से अलग कैसे है, क्योंकि यहां सिर्फ हम जनता की राय, नेताओं की राय नहीं दिखाते बल्कि पूरे लोकसभा का एक बड़ा व्यापक सर्वे जो अपने संवाददाताओं के द्वारा हम करते हैं, वो सर्वे लेकर आएंगे, जनता का मूड समझेंगे, मुद्दों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना सांसद चुनने जा रही है। तो अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, पब्लिक पोल में वापस लौटेंगे, नेताओं का परिचय कराएंगे और जनता से करवाएंगे बातचीत। बहुत शुक्रिया सुमेरा। देखिए पब्लिक का शो लेकर पब्लिक के बीच और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में, बहुत बड़ी जनता हमारे साथ है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें और उसके बाद जनता जनार्दन रखेगी अपनी राय। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए साकेत सिंह सोनू जो कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी के, वो गोरखपुर में मौजूद है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवधेश यादव जो कि प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के और गोरखपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अन्नू प्रसाद पासवान प्रदेश प्रवक्ता है और मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखती है। और चौथे नंबर पर बीएसपी जो कि हर चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, श्रवण कुमार निराला सांसद प्रत्याशी है बांसगांव के और मंडल प्रभारी है बीएसपी के, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। शुरुआत साकेत जी आपसे करता हूं, ये बताइए गोरखपुर के बारे में ये कहा गया है कि गोरखपुर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या क्या हुआ और इस बार जनता आपको क्यों चुने जरा ये बताइए। मुख्यमंत्री तो बनाकर भेज दिया तो सांसद भी क्यों? सर्वप्रथम टीवी 9 के सभी श्रोताओं को और यहाँ उपस्थित समस्त इस गोरखपुर क्षेत्र की जनता को मैं रामनवमी की ढेर सारी अपार शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। गोरखपुर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सिर्फ गोरखपुर का ही विकास और विस्तार नहीं हो रहा है बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश का विस्तार का एक प्रतिबिंब केंद्र बना हुआ है। क्या क्या किया आपने गोरखपुर में? गोरखपुर में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताइए, क्या क्या किया गोरखपुर में? एम्स लेके फर्टिलाइजर लेके आए। नारेबाजी नहीं, सुनिए, इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। नारेबाजी नहीं, क्या क्या किया आपने गोरखपुर में? मैं पुनः इस बार से इस अपने मन से कहूंगा, गोरखपुर में एम्स की स्थापना हुई कि नहीं हुई? आयुष्मान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कि नहीं हुई? पशु चिकित्सालय की स्थापना हुई कि नहीं हुई? एक्सा फार्म जो निषाद बंधुओं के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक मछलियों के पालन का केंद्र स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? रिंग रोड जो आपके आउटर गुवाहाटी गोरखपुर से गुवाहाटी तक की स्थापना हुई कि नहीं हुई? अभी वंदे भारत ट्रेन किसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि नहीं हुई? आप बहुत ज्यादा ठीक है, आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने बहुत विकास कराया, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही आते हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जनता जनार्दन की राय ले लेते हैं, जनता जनार्दन की राय ले ले, एक मिनट शांत रहिए, जब मैं कहूं तो शांत हो जाइए। आप ये बताइए गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए मिला जुला रिएक्शन था और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मेरे पास सर्वे का एक बड़ा आंकड़ा आ गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे संवाददाताओं के द्वारा किया गया ये सर्वे है और बहुत महत्व रखता है ये सर्वे। देखिए गोरखपुर में इस बार टोटल वोटर किसे अपना सांसद चुनना चाहते हैं, हमने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक 62% जनता बीजेपी गठबंधन को वोट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे सुनिए, समाजवादी पार्टी को 25% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, बीएसपी को 10% वोट और अदर्स को 3% वोट मिल रहा है। अवधेश जी, गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण है, 1989 के बाद से अभेद रहा है,
एक बार आपने भेदा तो बहुत सही निशाना लगाया और सफल भी हो गए, लेकिन उम्मीदवार ही भाग गया। क्या गारंटी है इस बार आपका उम्मीदवार टिकेगा? कैसे भेदेंगे योगी जी के गढ़ को? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने विकास और नीतियों पर लड़ती है। आज जिस गोरखपुर में विकास की बात कर रहे हैं ये लोग, मैं बता देना चाहता हूँ, एम्स की बातें कर रहे थे, एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। गोरखपुर में 500 बेड के बच्चों का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव ने दिया। आज चंपा इधर चले जाइए, रामगढ़ ताल की तरफ जितने विकास हुए हैं, दिग्विजयनाथ पार्क जहाँ बना है वो माननीय अखिलेश यादव की जगह समय में वो जमीन पार्टी गई। आज गोरखपुर में जितने ओवर ब्रिज आज बन के तैयार है माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में किए गए। गोरखपुर में MM जो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा बनवाया गया विद्यालय, इन लोगों ने सिर्फ ढकोसला किया है। माननीय योगी जी यहाँ से सांसद रहे, नाला तक नहीं बनवा पाए, मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी भी नाले पूरे नहीं हुए, आज तक सड़क। आप ये कह रहे हैं, आप ये समाजवादी पार्टी, देखिए एक मिनट, नारेबाजी नहीं, समाजवादी पार्टी ये कह रही, ऐसे व्यक्तिगत कमेंट नहीं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सबसे ज्यादा विकास हमने कराया। बीजेपी कह रही है कि सबसे ज्यादा विकास हमने कराया। जनता की राय लेते हैं, जनता तो बड़ी तादाद में है। किसके राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ, अखिलेश यादव या योगी जी? अन्नू जी तैयारी बड़ी करके आए हैं, लेकिन मैं अभी जब रास्ते में अपने घर से निकला और इस शो को करने के लिए आ रहा था तो मैं आंकड़ों को देख रहा था, और आंकड़े ये कहते हैं कि पिछली बार संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22,000 वोट आपको मिला था। इस बार आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है इस गठबंधन में? स्पेशली गोरखपुर की बात कर रहा हूं, लोकसभा में 20,000 वोट कितना मायने रखता? देखिए, एक बात तो बहुत तय है कि जब गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी आज की नहीं बहुत पुरानी और मजबूत पार्टी रही है, जमीनी स्तर पे हमेशा मजबूत पार्टी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में नहीं है आज भी है। यूपी में कांग्रेस मजबूत है कि नहीं है? इधर दिखाओ जरा, मजबूत है कि नहीं, हाथ उठाकर बताइए, है कि नहीं है, है कि नहीं है? ये इसका जवाब तो हमारे माननीय राहुल गांधी। अब शांत हो जाइए, सुनिए अपने उम्मीदवार को सुनिए, एक मिनट, ऐसे नहीं, एक महिला बोल रही है, सुन लीजिए थोड़ा सा, अभद्रता नहीं, ए भैया गमछाधारी, ऐसे नहीं। देखिए, आपस में बातचीत करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं माइक छोड़कर चला जा रहा हूँ, आप लोग बात कर लीजिए। आप लोग चाहते हैं ऐसा करूँ? आप लोग चाहते हैं माइक छोड़कर चला जाऊँ? आप लोग आपस में डिबेट कर लो, पीछे करिए, पीछे चलिए। समझा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती ना तब खत्म हुई थी ना आज खत्म हुई है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। मेरा जो एक मुद्दा ये है, जहाँ पे खड़े जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में विकास हुआ है, तो ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी गोरखपुर में सांसद और विधायक बीजेपी के थे, तब विकास क्यों नहीं किया गया गोरखपुर का? अच्छा, गोरखपुर में एक मिनट, गोरखपुर में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री किसने शुरू की? और एक बात और, एम्स किसने शुरू किया? रोड्स को चौड़ा किसने किया? कब खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पीछे एक विश्वविद्यालय है, मैं आपको बता दूं, इनके विकास का जो स्तर है कि इसी विश्वविद्यालय में एक बच्ची की लाश मिलती है, मगर आज तक योगी जी नहीं बता पाए कि वो बच्ची कैसे मरी। ये बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम बहुत मजबूत है, पिछली बार आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, सपा का भला तो नहीं हो पाया, भैया आपस में प्लीज बात मत करिएगा, सपा का भला तो नहीं हो पाया, बहन जी के 10 सांसद जीत गए, इस बार अकेले कुछ कर पाएंगे? कुछ उम्मीद है, कोई संभावना लग रही है आपको? आप तो खुद भी बांसगांव से उम्मीदवार हैं। देखिए, हमेशा बसपा जो करती है बहुत साइलेंट मोड में करती है, और BSP का क्या कहते हैं, BSP का साइलेंट मोड में, साइलेंट मोड में 2012 के बाद हमको दिखा नहीं आपका साइलेंट मोड। 2007 में सरकार में आए थे, 2006 में कोई कह नहीं रहा था, और उत्तर प्रदेश की राजनीति का हमने नया इतिहास बनाया। जब लोग कहते थे कि कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन सकती, तो पहली बार लंबे अरसे के बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने, उसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो ये भी कहा गया कि बसपा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब हाथी ने अंडा दिया मतलब 0 सीट आई। जो भी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था भैया,
चौदह के नहीं के लोग आज जीरो सीट आई थी आपकी कर कहे जा रहे हैं 203 विधायकों वाली पार्टी जीरो सीट। ये बीजेपी 2002 में गायब हुई थी, 2017 में लौटी है। इनकी सारी रणनीति फेल हो गई थी और यहीं पर एक कार्यकर्ता बहन जी कब आ रही थे, बहन जी आ रही है 2024 में बीएसपी ये दावा कर रही है। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ, आप लोग चिंतित ना होइए, सबका रिएक्शन आएगा। देखिए अगला डाटा मेरे पास आ गया है। गोरखपुर के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसको वोट करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, आंकड़े बहुत सुखद है, ध्यान से सुनिएगा। 25% भैया आपस में बातचीत नहीं, प्लीज आपस में बातचीत नहीं। 25% आ रहे हैं, बेरोजगारी भी उठाएंगे, महंगाई भी उठाएंगे, सब पूछेंगे, शांति रखिए। 25% मतदाता गोरखपुर का मुसलमान बीजेपी गठबंधन को इस बार वोट देता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कुछ मुस्लिम है जो यहां पर सहमत भी से नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का आंकड़ा जो आ गया है, 61% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। तालियां बजाइए आप लोग। बीएसपी को महज 10% और अदर्स को 4%। एक सज्जन थे जो बेरोजगारी का मसला उठाते हैं, बहुत नाराज लग रहे हैं। क्या बात सर, एक बिना आक्रोशित आप उनसे, श्रीमान जी से आप पूछ रहे थे, जैसे आपने बीजेपी महोदय से पूछा तो शांति से सुना। जब वो कहीं मेरी मजबूत पार्टी है तो आप कह दिए कि नहीं मजबूत पार्टी है। आप एक रिपोर्टर की भूमिका में रहिए तो अब ठीक लगे। आप मुझे मेरी भूमिका मत समझाइए, सवाल है तो बताइए, भूमिका मत समझाइए मेरे, मुझे मेरी भूमिका अच्छे से पता है, अपनी भूमिका डिसाइड करिए। मेरा सवाल भी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से है। पिछले साल आपस में फिर नहीं भैया, नारेबाजी नहीं। पिछले साल देश के सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि 4 महीने में सहारा का पैसा आम जनता तक पहुंच जाएगा, गांव गरीब किसान के घर का सहारा। गोरखपुर से रिलेटेड मुद्दे गोरखपुर में क्या नहीं हुआ ये बताइए। गोरखपुर सड़क बनी कि नहीं बनी, एम्स बना कि नहीं बना, फर्टिलाइजर बना कि नहीं बना। हम लोग की बात, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय। गोरखपुर में जो भी सड़कें पतली सड़कें थी उसको 4 लेन बनाया गया है, 6 लेन बन रहा है। पीछे कई सदियों में कोई सोचा नहीं था कि यहाँ पर क्रूज चलेगी, मोदी जी की देन है, क्रूज चल रही है, GSR गार्डन है, 5-स्टार होटल है, ये सब भाजपा की देन। साकेत भाई इतना विकास योगी जी कहते हैं, बार बार यहाँ पर आते हैं, इतना विकास करवा दिया योगी जी ने, ये दावा किया जाता है और जनता आपके सामने कह रही है कि कोई विकास ही नहीं है। एक मिनट, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, डिबेट करने आए हैं ना, नारेबाजी करने आए हैं। आराम से, अब वो शांत हो गए, आप भी शांत हो गए, आराम से। देखिए हमें तो ये नहीं लगता है, ये सब जो किया वो योगी जी ने किया, आपके सांसद ने क्या किया, क्यों आपके सांसद को दोबारा चुना जाइए। मैं ऐसी बात को आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इसी गोरखपुर की पहचान एक माफिया। सुन लीजिए भैया, पीछे वालों को शांत करिए जरा, सुन लीजिए। इसी गोरखपुर की पहचान विगत दशकों में श्री प्रकाश शुक्ला माफिया के नाम से होता था और आज रवि किशन शुक्ला जो एक महानायक के स्वरूप में हिंदी संस्कृति और सभ्यता को एक धरातल पर उतार रहा है, गुरु गोरखनाथ धाम का एक प्रसिद्ध कर्म पूरे देश में स्थापित कर रहा है, गली गली चौराहे चौराहे मोड़ मोड़ पे ऐसा। आपको लगता नहीं है कि यहाँ कुछ और मजबूत, क्योंकि आपकी उम्मीदवार की तबीयत खराब है, वो मेदांता में एडमिट है, उनकी बीमारी को लेकर भी तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही है। लेकिन ये बताइए क्या लग रहा है, कुछ और मजबूत चाहिए था, सिर्फ जातिगत आधार पर आपने टिकट दे दिया या कोई और पैमाना था आपके पास, खासकर तब जब मुख्यमंत्री का गढ़ है, क्या सचमुच जीतना चाहते हैं आप इसको? सबसे पहले बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने रवि किशन शुक्ला को योगी से भी बड़ा नेता बना दिया, इन्होंने ऐसा बात कह दिया कि योगी जी से बड़े, मतलब रवि किशन शुक्ला इतने बड़े नेता है कि वो यहाँ पर आकर के स्थापित कर दिया। पहले इसी गोरखपुर को एक माफिया के नाम से, एक माफिया, माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब विकास का गढ़ कहा जाता है। सारे माफिया बीजेपी में हैं, बीजेपी में जाति देखकर माफिया तय है। मेरे पास देखिए माहौल बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा पीछे चले आ रहे हैं, अभी 15 मिनट मेरे पास बाकी, शांत, धैर्य रखिए। आ रहे डाटा मेरे पास, सर्वे का आंकड़ा आ गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार जरा उस सर्वे के आंकड़े को देख लीजिए।
अब देखिए ओबीसी वोटर गोरखपुर में किसे अपना सांसद चुनना चाहता है। हमने एक बड़ा सर्वे किया, हर विधानसभा में गए अपने संवाददाताओं के जरिए और ये सर्वे कराया। 62% ओबीसी मतदाता बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है, समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 4% और अदर्स को 3%। महिलाएं कहां जा रही हैं इस बार? महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है? महिला सुरक्षा है कि नहीं है? बिल्कुल है, महिला सुरक्षा है, तभी तो आज यहां हम खड़े हैं। इनके राज में कभी महिला सुरक्षा नहीं रही है। जब भी महिलाएं आ रहे शांति शांति, भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिलाओं का मुद्दा, 33% हमें आरक्षण मिला, हर क्षेत्र में आरक्षण मिला। आप एक मिनट, आप सुनने दीजिएगा आराम से, बिना डिस्टर्ब किया आ रहे हैं सर। क्या नाम है आपका भाईजान? शफीकुर रहमान मेरा नाम है। शफीकुर रहमान, अच्छा आपके हिसाब से गोरखपुर में विकास कौन करवा रहा है? हमारे योगी जी जबरदस्त विकास करा रहे हैं। आज जो अपने मेहमान को घुमाने के लिए जगह नहीं थी, आज लोग नौका विहार ले जा रहे हैं, एम्स ले जा रहे हैं, चिड़ियाघर घुमा रहे हैं, ये सब योगी जी की देन है, उनका विकास है। मुझे तो बताया गया योगी जी मुसलमानों से बहुत चिढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, योगी जी के राज में आतिक अहमद की हत्या हो गई, मुख्तार के मौत को सवाल उठाया गया और आप कह रहे हैं योगी जी चोरों और बेईमानों को देश से हटना पड़ेगा। जो चोरी और बेईमानी करेंगे, दूसरों का गबन करेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। वन बाय वन आराम से वन बाय वन। पूर्व में 30 बार से ज्यादा आक्रोशित क्यों? अरे एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, बीच में नहीं, मैं टॉलरेट नहीं करूँ, कोई बोल रहा बोलने दीजिए। भाजपा के लगातार सांसद गोरखपुर में रहे हैं, लेकिन गोरखपुर से आधा से अधिक शहर जलमग्न रहा है नालियों में। आज भी योगी जी कहते थे कि माफिया और मच्छर बाहर रहेगा। अच्छा एक बार मैं कांग्रेस और बीएसपी के पास जा रहा हूँ, आप लोग अपने जगह से आपस में बातचीत नहीं, आपस महिलाओं से अभद्रता नहीं, महिलाओं से बातचीत मत करिए, ढंग से रहिए। मैंने कहा ढंग से रहिए, महिलाओं से ढंग से बात करिए। देखिए आप पीछे चलिए, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। आराम से पीछे हटके, पहले पीछे चलिए। हाँ सर, पीछे चलिए। कैसे सर? अभी आराम बेरोजगारी, पीछे चलिए। बेरोजगारी पे तो बात कीजिए। हाँ बेरोजगारी पे बात, ठीक है। माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। आराम से बस, प्रशासन, पुलिस, इनको हटाइए, आप हट जाइए, आप ढंग से रहिए वरना बाहर कर दूंगा, ढंग से रहिए। बस, हो गया सर, चलिए बाहर चलिए, ठीक है बाहर चलिए। अब ये बताइए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, गोरखपुर वालों से पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? आप यहाँ बड़ी संख्या में युवा आए हैं, उनसे पूछिए, जब पेपर लीक होता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके माता पिता के ऊपर क्या बीतती है। लगातार इस सरकार, ये सरकार पेपर नहीं बचा पा रही है, हम युवाओं के भविष्य के। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, पेपर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। देखिए मेरे पास अब इससे, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे धक्का देना पड़ेगा। आप लोग पीछे हटिए। चलिए अब अगला डाटा मेरे पास आ गया है, प्रदीप जरा पीछे करिए इनको, मेरे पास अगला डाटा SC ST वोट्स का आ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, BSP का कैडर कहा जाता है और इसी वोटों के दम पर पिछली बार BSP 10 सीटें लाई थी। तो SC ST वोटर गोरखपुर लोकसभा में किसको वोट करने जा रहे हैं? 28% से ज्यादा लोग BJP गठबंधन को इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को 18%, 49% बसपा को और अदर्स को 5%। क्या मुद्दे लेकर आई हैं आप? किस मुद्दे को लेकर, कौन सा ऐसा मुद्दा है? प्रदेश का इक्वेशन अलग है और गोरखपुर का इक्वेशन अलग है, क्या मुद्दे हैं आप? देखिए अगर आप कांग्रेस के मुद्दे की बात करेंगे तो हम सिर्फ, अब सुन लीजिए भैया, सुनिए, डिस्टर्ब ना करिए। अगर आप कांग्रेस के मुद्दे की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर पे नहीं आएंगे, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम किसानों के MSP पे बात कर रहे हैं। यहाँ हमारी बहनें जो खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, जो कह रही हैं कि योगी में बहुत महिलाएं सुरक्षित हैं। अच्छा एक गठबंधन बना था, अच्छा एक बार सुन लीजिए मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। यदि कहीं ना कहीं इनको NCRB की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा। अच्छा आपका एक गठबंधन बना था,
इंडिया गठबंधन, बीजेपी वाले से इंडी गठबंधन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है इंडिया का फुल फॉर्म, क्या होता है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया की फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म आपको पता है? आप उस गठबंधन को रिप्रेजेंट करने आई हैं, क्या उस गठबंधन का फुल फॉर्म आपको पता है? इंडिया का फुल फॉर्म क्या पूछेंगे आप? आपको पता है कि नहीं पता? आप मुझे एक बात पता है कि नहीं? आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है मैडम, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। बीजेपी माने जनता। बीएसपी ने क्या किया था 2007 से 12 तक आप यहाँ पर सत्ता में काबिज थे, बीएसपी ने ऐसा क्या किया था कि गोरखपुर की जनता जो आज तक करिश्मा आप नहीं कर पाए अपने इतिहास में, वो करिश्मा इस बार आप करेंगे? रोजगार के सवाल पर अगर इस देश के अंदर कोई सबसे बड़ा काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। अच्छा। और आज रोजगार के सवाल पे नौजवान जो आपके बीच में, कितना रोजगार आपने दिया? 6 लाख पद इस उत्तर प्रदेश के अंदर खाली है सरकारी नौकरियों में। और ये सरकार रोजगार के सवाल पर नौकरी देना नहीं चाहती है, पेपर लीक करा करके नौजवानों का शोषण। अच्छा, आप लोगों से इसके बाद सवर्णों का आंकड़ा गया, आपके पास आ रहा हूँ, शांति से थोड़ा शांत हो जाइए। अच्छा, सवर्णों का आंकड़ा आप लोग सुनना चाहते कि नहीं, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, धैर्य रखिएगा, सुनना चाहते है ना? अच्छा ये बताइए, बसपा के राज में रोजगार मिला कि नहीं मिला? बसपा के राज में रोजगार मिला कि नहीं मिला? अब देखिए, अब सवर्णों का आंकड़ा गया है मेरे पास, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा में 80% से ज्यादा सवर्ण वोटर बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 16%, बीएसपी को 2% और अदर्स को एक ही आदमी नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। आप बोलिए, आप फिर ना, आप नहीं, एक आदमी को एक बार माइक। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि जो आंकड़े आप दर्शा रहे हैं क्या, जल्दी बिना भूमिका के कि गरीब के थाली से क्या क्या गायब हुआ है उनका आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी से पूछ। गरीब की थाली से लोग ये कह रहे हैं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, पेपर लीक हो रहा है, हालात खराब है उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूं कि इस पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना काल से हर आपस में नहीं ऐसे हूटिंग करेंगे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भैया बस शांत शांत, क्रांतिकारी साथी अब सुन लो, कोरोना सुनने आए हैं ना, किनारा लगाने आए हैं, सुनिए, छात्र संघ चुनाव की बहाली आप तो, अच्छा सुनिए अब जवाब सुनिए, आप तो छात्र राजनीति की गोद से निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ राजनीति की बहाली कब होगी, चुनाव कब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से सुनिए भाई आवाज, सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदो कमेटी का गठन किया और लिंगदो कमेटी के अनुरूप जिस प्रकार से जो वार्ता आती है संबंधित विश्वविद्यालय से, अगर संबंधित विश्वविद्यालय, चुनाव होगा कि नहीं होगा ये बताइए? निश्चय ही चुनाव होगा। कब होगा? कब होगा? ये लोग जनादेश पुनः एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे, शैक्षिक जल्दी से सपा के प्रवक्ता से एक प्रश्न है, नहीं कुछ शायरी सुनाने वाले थे आप। अरे भाजपा के गांव मछिया गेरुआ बनले अपना सारा, गोरखपुर के जनता बीजेपी लो भारा। ना धर्म पे ना जाति पे, ना धर्म, ठीक है? तो वक्त मुझे यही इजाजत देता है, सीधा आपको लिए चलता हूँ स्टूडियो जहाँ पर पब्लिक पोल में अब वक्त हो चला है जनता बोल का।